साहब, आज मैं आपको बताना चाहता हूं ना यार, हम लोगों को जो काम करना चाहिए ना वो काम नहीं अच्छा लगता। मेरे को पढ़ना चाहिए, मेरे को लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। गेम खेलने में बड़ा मजा आता है। मोबाइल में गेम दे दो या लगे रहो, किसी लड़की के पीछे भागना मजा आता है, उसके पीछे दिन रात टाइम दो मजा आता है। है कि नहीं? सच्ची बात है। घूमने में मजा आता है, दोस्तों के साथ गप लड़ाने में मजा आता है। यार इन सब चीजों को काम करने में रियली बहुत मजा आता है, यहाँ पर मन भी लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जहां पर मन लगता है उस काम को करने में भलाई है? आपको टीवी देखने में मन लगता है, पिक्चर देखने में मन लगता है, मूवी देखने में मन लगता है, कार्टून देखने में मन लगता है, साला हर काम करने में मन लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब इतना बताइएगा कि क्या जिस काम में मन लगता है क्या उस काम को करने में भलाई है? क्या क्या उस काम को करने में आपकी जिंदगी बन सकती है? क्या क्या जो आपके सपने हैं, आपके जो बड़े बड़े ड्रीम है, क्या वो पूरे हो सकते हैं? क्या बस जरा सोचिएगा और बताइएगा। आई थिंक आपका आंसर यही होगा, नहीं, कभी नहीं। जिस भी चीज में आपका मन लगता है ना उस काम को करने में कभी भलाई नहीं है। ये समझ लीजिए, यानी जिंदगी में सफलता पाना है, बड़े मुकाम को हासिल पाना है ना, तो यार ये जो माइंड है ना, इसका जहां पर मन लगता है उस काम को करने में भलाई नहीं है। समझ लिए? योर माइंड इज प्लेइंग अ गेम विद यू। आपका दिमाग आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, खेल कर रहा है। आपका दिमाग आपको गुलाम बना रहा है। यदि आप अपने दिमाग के गुलाम हो जाएंगे ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कि जो आत्मा की आवाज है उसको माइंड को गुलाम बना लीजिए। वो जो कहता है उसकी वाली मत करिए, ऑटोमेटिक वो घुटने टेक लेगा। कह रहे यार एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, तीसरी बार नहीं किया, चौथा बार दिमाग वो दिमाग पर कहेगा ही नहीं, क्योंकि मानने वाला है नहीं। आपको सवेरे उठने का मन नहीं करता है, मन नहीं करता है ना, मन नहीं करता है। लेकिन सवेरे उठने में ही भलाई है, क्योंकि 4 बजे 5 बजे के टाइम में 100% में से मात्र 4% 5% लोग ही सवेरे 4 बजे 5 बजे उठते हैं। आपको सवेरे उठने का मन नहीं करता, लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवेरे उठने में मन नहीं करता कि इसमें भलाई है क्या? नहीं, सवेरे उठने में ही भलाई है। किताब पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन उसी में भलाई है। सवेरे वह पार्क में टहलने का मन नहीं करता है, लेकिन उसी काम में भलाई है। यार समझ लो यार, जिस काम को करने में मन नहीं लगता ना उसी काम को करने में भलाई है। तमाम लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, कैसे मैं डिफाइन करूं कि मेरे लिए अच्छा है बुरा है। सब आपको पता है, कहीं दूर बताने की जरूरत ही है। आप अपने जो उसमें माइंड है ना उसकी वाली करो ही मत। जिस भी काम करने में मन लगता ना, समझ लो वो काम अच्छा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ना जो कंचा खेलते हैं, मैं लोगों से पूछता हूं जो आपके घर में बच्चे हैं कि क्या बेटा बता, तेरे को कंचा खेलने में भलाई है क्या? कंचा खेलने से तेरे घर की रोजी रोटी चल सकती क्या? तेरे को पढ़ाई आ सकती क्या? नहीं ना, कभी नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूं और ध्यान से सुन लीजिए, आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, लेकिन यार उसी में भलाई है। आपको बाहर दोस्तों के साथ बात करने में, गप सप लड़ने में मन लगता है, लेकिन उसमें भलाई नहीं है। पढ़ाई में भलाई है, लगा दो जी जान, सलाह एक कर दो यार, अपने आप को झोंक दो, माइंड घुटने टेक ले यार, यहां पर मेरी चलने वाली नहीं है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि यार कैसे सफलता मिलती है। तो ये सफलता का मूल मंत्र है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।